हाँ जी, नाउ पैर सिंह दैट इज पद परिचय, तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं और शब्दों के समूह को पदबंध कहते हैं। जैसे हर एक शब्द है वो पद कहलाएगा, तो पदों का परिचय देना कि वो संज्ञा है या सर्वनाम है, उनकी स्थिति बताना, वो पदों का परिचय देना। पदों का परिचय क्या हो सकता है? ये चीज हो सकता है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, ऐसा हम अगर बता पाएँ, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, इस तरीके से बता पाएँ, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, ये कुछ बता पाएँ। और इसके अलावा हम ये भी बता पाएँ कि उसका लिंग क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, लिंग का मतलब बेजान चीज है। तो ये सारी चीजें अगर हम बता सकें, लिंग बता सकें, कारक बता सकें, कारक का मतलब है जो करता है वो किस रूप में प्रयुक्त हो रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का कि के अधिकरण में पर, यानी वास्तव में उसका संबंध दूसरी चीजों से या कर्म से क्या है। तो कर्ता का कर्म से क्या संबंध है या दूसरे और कारकों से क्या संबंध है, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें अगर हम बता पाएँ। अभी हम आपको बताएंगे कारक क्या होता है, तो कारक का भेद बता सकें, यदि ये सब हम कर सकें तथा अन्य पदों से संबंध बता सकें, संबंध बताना पद परिचय कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। अगर पूछेगा तो बताना पड़ेगा, ऐसा लिखा नहीं है, अगर ऐसा होगा तो किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना। अगर एक शब्द आपको दिया गया, बोला इसके बारे में सब कुछ बताओ, तो एक शब्द ही मान लो दिया, अंडरलाइन कर दिया, किसी शब्द की, ठीक है, सभी भूमिकाएं, सभी अधोलिखित जो निम्नलिखित है या ऊपर लिखित है उन सभी में सभी भूमिकाओं का परिचय देना, भूमिकाओं का परिचय देना, देना पद परिचय कहलाता है। कहलाता है, सो दैट इज सेड टू बी पैरसिंग। अब देखिए कि कुछ चीजें, जैसे हम देख लें, अगर हमें संज्ञा दी गई है तो संज्ञा कई तरीके की हो सकती है, व्यक्तिवाचक हो सकती है, जातिवाचक हो सकती है, या हमें संज्ञा में सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इस तरीके से हम बता दें, जैसे रेखा हो गया, किसी का नाम हो गया, और एक प्रजाति है गाय, तो ये जातिवाचक संज्ञा, कुर्सी, तो कुर्सी एक प्रजाति हो गई, तो जातिवाचक है। इसी तरीके से हम भाव का भी कह सकते हैं, भाववाचक संज्ञा भी कहा जा सकता है। तो संज्ञा में सभी का अगर हम परिचय देते हैं तो उस तरीके से कहा जा सकता है, जैसे कि बुढ़ापा, यौवन, ये सब भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा, यौवन,
आशा निराशा ये सारी भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक है, सुंदरता सुंदरता कुरूपता सुंदरता क्रोध शांति ये भी सभी संज्ञाएं हैं। क्रोध शांति ये भाववाचक संज्ञा है। मित्रता स्वार्थ, तो इन सबसे हमें पता चल जाता है। अब किसी चीज में हम और भी कुछ चीजों के बारे में बता सकते हैं कि वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो वो भी बता सकते हैं। द्रव्यवाचक कोई भी सामान है, जैसे किससे बना है, सोना से बना है, लकड़ी से बना है, तो इस तरह क्या बुढ़ापा यौवन, ठीक है, ये सारी चीजें, तो यौवन, ठीक है, यूथ, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा, वो भी पूछ सकता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में जैसे पूछ सकता है सेना, कक्षा, ऐसा आ जाएगा। तो अगर संज्ञा के बारे में पूछेगा तो हमें उसके वाचक को बताना है, तो संज्ञा का वाचक बताना है कि कौन सा है, फिर किस प्रकार की संज्ञा है। फिर इसके अलावा हमें और वह पूछ सकता है कि संज्ञा के भेद में लिंग भी पूछा जा सकता है। तो अगर संज्ञा में लिंग पूछेगा तो फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, यानी अगर कोई भी चीज़ बहुत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ पशु है, तो पुल्लिंग माना जाएगा। जैसे शेर के केस में माना जाएगा शेर शेरनी, श्रेष्ठ पशुओं में, घोड़ा घोड़ी, हाथी हाथिनी। जातिवाचक में है गाय हो गया, कुर्सी हो गई, ये सारी चीज़ हो गई, कुत्ता हो गया, इस तरीके से। इसमें रेखा हो गया, सीमा हो गई, ठीक है, रवि हो गया, नाम किसी का हो। अच्छा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, तो कीड़े मकोड़ों को पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं बोलेंगे, पुल्लिंग में कौन आ जाएगा? तो अगर रवि है तो वो पुल्लिंग में आएगा, और सीमा किस में आ जाएगी? इसमें आएगी शेर शेरनी। लेकिन अगर कोई कीड़ा है छोटा, तिलचट्टा, तिलचट्टा का मतलब क्या होता है? कॉकरोच। ये चीज, जो इंसेक्ट हैं, जो छोटे जीव जंतु हैं, उन्हें नपुंसक लिंग में कहेंगे, उनमें हमें ध्यान नहीं देना पड़ता, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। बोलो, छिपकली भी, ये दीज आर जो है वैसे तो रेप्टाइल्स हैं, लेकिन जिनको हम बहुत सम्मान से देखते हैं, सिर्फ ऐसे पशुओं की ही जाति लिखी जाती है। और छिपकली के लिए नहीं बोला जाएगा कि लिंग, शेर शेरनी में बोला जाएगा, हाथी हथिनी में बोला जाएगा, घोड़ा घोड़ी में भी बोला जा सकता है, ठीक है, गाय बैल में बोला जा सकता है। तो बैल जो पालतू पशु हैं या जो थोड़े सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। और नपुंसक लिंग में ये चीज आ गया, ठीक है, बाकी तो हम आगे देख लेंगे कि क्या है। अब आगे देखिए, लिंग हमसे पूछा जा सकता है, वचन पूछा जा सकता है। संज्ञा का वचन में क्या पूछा जा सकता है? कि एक वचन है या बहुवचन है, तो ये चीज पूछी जा सकती है। तो जैसा पूछा जाएगा हम बता देंगे। और उसमें ये भी पूछा जा सकता है कारक। मान लीजिए राम ने रावण को तीर से सीता के लिए, मतलब अब कारक समझो जरा, कारक ये बताता है कर्ता, कर्ता कारक, कर्ता ने। अगर राम यहाँ क्या है बताइए, क्या ये कर्ता कारक है? क्योंकि यही काम कर रहे हैं। अच्छा, कर्ता ने कर्म को किसको मारा? क्या रावण को? तो रावण उनका कर्म है, तो रावण भी एक संज्ञा है, और क्या वो कर्म कारक संज्ञा है? अच्छा, करण, करण से, तो करण से का मतलब है कि कोई भी चीज अगर जुड़ती है तो उसको कहेंगे करण से जुड़ना। जैसे चाकू से फल काटा गया, तो चाकू से फल कटा,
तो क्या चाकू फल से जुड़ रहा है तभी तो फल कटेगा। तो चाकू क्या ये करण कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान बोलो। अब देखो ये आपने सही बोला कि मतलब यहाँ पर अगर ये चीज है कि राम ने रावण को तीर से, हम कर्ता के संबंध में लेंगे, अगर यहाँ पर कर्ता दिया होता तो ठीक है, अब जैसे राम के संबंध में लेंगे तो राम के संबंध में क्या तीर उनसे अलग हुआ? तो ये अपादान कारक है। अपादान कारक मतलब क्या हुआ कि पेड़ से पत्ता गिरा तो क्या पेड़ से पत्ता अलग हुआ है क्या? पत्ता गिरा तो यहाँ पर पेड़ से यहाँ भी है, से यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ये करण कारक है और यहाँ पर क्या है? कि अपादान कारक। तो संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान में क्या होता है, क्या अलग होना, ठीक है, और अधिकरण में पर में पर जमीन पर मारा, अगर ऐसा होता तो अधिकरण कारक होता, जमीन अधिकरण कारक होती, सीता के लिए अगर यहाँ लिख देता जमीन पर मारा तो अधिकरण आ जाता। तो आप कारक समझ गए ना कितने तरीके के हैं, तो ये सभी क्या हैं कारक, तो ये संबंध स्थापित करते हैं, या तो जो कारक हैं वो क्रिया से संबंध स्थापित करेंगे या दूसरे से संज्ञा से संबंध स्थापित करते हैं। कारक क्या होते हैं? तो कारक वो होते हैं, कारक संज्ञा का वह स्वरूप है। कारक क्या है? संज्ञा का या सर्वनाम का, उसने सर्वनाम का वह स्वरूप है जो उसका क्रिया से या अन्य संज्ञा से संबंध दिखाता है, से संबंध, वो किस तरीके से संबंधित है दर्शाता है। जैसे जैसे आगे आएगा आप समझ जाएंगे, हमने एक दो उदाहरणों से बताया है लेकिन आगे आप समझ जाएंगे। तो पहली बात हमने क्या देखी कि हमको पद परिचय में संज्ञा में क्या क्या बताना है, तो संज्ञा में आपको क्या क्या बताना बताइए, संज्ञा में वाचक बताना है, वाचक पांच बताए आपको, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, वाचक बताए, लिंग बताना है, लिंग आपको बताया मैंने, वचन बताना है, एक वचन है या दो वचन है, कारक बताना है, कारक बताना संज्ञा का पद परिचय है, ये किसका पद परिचय है, तो हम संज्ञा आएगी तो उसका पद परिचय दे देंगे। इसी तरीके से सर्वनाम में सर्वनाम का पद परिचय देना होता है, सर्वनाम में उसका वाचक बताना, वाचक बता देना, और क्या बताना, उसका पुरुष क्या है, पुरुष बता देना, सर्वनाम किस पुरुष का है, सर्वनाम का लिंग बता देना, लिंग, ठीक है, वचन बता देना, ठीक है, और सर्वनाम का कारक बता देना, और सर्वनाम का क्रिया से संबंध बता देना। अभी ये सब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है लेकिन मैं बताऊंगा कि संबंध बताना सर्वनाम का पद परिचय है। अभी बता रहा हूँ, अभी तो कुछ बताया नहीं ना, संज्ञा के बारे में समझ में आ गया कि नहीं बोलो। तो अब हम सर्वनाम का बताएंगे, कहलाता है, तो इसको क्या कहेंगे, सर्वनाम का पद परिचय कहलाता है। जरा पहली बात देखें, पहले वाचक पे आते हैं, तो सर्वनाम
में आप कैसे वाचक बताओगे? तो सर्वनाम में पुरुष वाचक बताया जाएगा कि पुरुष वाचक सर्वनाम है कि निश्चय वाचक सर्वनाम है। जैसे उसमें जाति वाचक संज्ञा बताई थी, द्रव्य वाचक बताई थी, ठीक है, व्यक्ति वाचक बताई थी, ऐसे सर्वनाम में ये सब बताना। अनिश्चय वाचक सर्वनाम, सर्वनाम बता देना। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न, यह कुर्सी है, अब कुर्सी की जगह अगर क्या लगा दिया जाए, यह क्या है, तो संज्ञा को अगर हम बदल दें तो क्या वही चीज सर्वनाम कहलाती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें सर्वनाम कहते हैं? तो हम संबंधवाचक बता दें, निजवाचक, निज वाचक। तो इस तरीके से हम सर्वनाम के वाचक बता सकते हैं। अच्छा, सर्वनाम के वाचक हम कैसे बता सकते हैं? तो सर्वनाम के संबंध में जो भी उनके वाचक हैं उनके उदाहरणों से बता सकते हैं। जैसे अगर हमसे कोई कहे पुरुषवाचक सर्वनाम बताओ, तो पुरुषवाचक में हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैं, मेरा, मुझे, तुझे, ये सारे चीज़ें हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें तीन पर्संस होते हैं पुरुष में। कौन कौन से पुरुष हैं बताइए? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन को इसमें कहते हैं कि मैं ही सबसे उत्तम हूँ। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? मैं, मेरा, मुझे, हमें, हमें भी आता है। अच्छा, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? क्या सेकंड पर्सन? क्या तुम, तुम्हें, ये सब आता है। और अन्य पुरुष किसे कहते हैं? क्या थर्ड पर्सन? ही, शी, सॉरी, वह, ठीक है, उसे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पुरुष हुआ, पुरुषवाचक है कि अगर ये सब चीज़ें आ जाएं। इसके अलावा दूसरी चीज है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है कि किसी घटना के लिए किसी चीज़ को इस्तेमाल करना कि सामने जो मकान है वह मेरा है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक का मतलब वह कुर्सी है, यह मेज है, ऐसा बताना। किसी चीज़ को आप निश्चय के साथ अगर बता पा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं कि यह घर मेरा है। तो यहाँ पर जो यह है ये क्या है? क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है? ठीक है, वे शैतान हैं। तो ये जो वे वर्ड है ये क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है? बताइए। तो किसी के बारे में अगर आप निश्चय के साथ, अगर पास की चीज़ है तो यह करना है और दूर की चीज़ है तो वह करना है। लेकिन यही चीज़ जिसको कि हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स, दिस, दैट, दोज, इसी का दूसरा नाम क्या है बताइए? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये ऐसे ही निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे, ऐसे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम में दरवाजे पर कोई है, अब पता नहीं कौन है, ठीक है, रास्ते में कुछ खा लेना, तो क्या इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है ना कि क्या खाना है या क्या? तो दरवाजे पर कोई है। तो ये जो कोई वर्ड है ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्नवाचक, यह कुर्सी है तो यह क्या है, कुर्सी की जगह लग गया कि नहीं, यह क्या है, ठीक है, तुम श्याम हो, तुम कौन हो, तो क्या है, कौन है, ये सब किस में आते हैं? क्या, कौन, कहाँ, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है तो मिर्ज़ापुर कहाँ है। तो इस तरीके से जब प्रश्नवाचक है, आम लाने के लिए किसे भेजूं,
तो श्याम को भेजूं तो बोल रहा है कि किसे भेजूं, पुस्तक किससे मंगाऊं, दरवाजे पर कौन बैठा है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध कैसे कि जो करोगे सो भरोगे, तो संबंध स्थापित, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा का वैसे से संबंध है कि नहीं, कि तुम करोगे दूसरा भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये जैसा और वैसा ये क्या चीज है, वैसा उसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये दोनों संबंधवाचक हैं। वह है जो है, जो है सो है, तो इस तरीके से मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह सामने खड़ा है, तो अब संबंध स्थापित हो गया कि नहीं। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह सामने है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो का किससे संबंध है, क्या वह से, जो वह, इस तरीके से। निजवाचक का मतलब क्या होता है, निजवाचक का मतलब है मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तुम अपना काम, इस तरीके से मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो यहां पर स्वयं क्या है, निजवाचक। अब ये देखो कि किसी भी चीज के लिए वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद है, तो इसमें यहाँ पर बता दिया मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, तो उसको जिसको हम कहते हैं कि इम्पैथेटिक प्रोनाउन, इम्फेसाइज करता है ना जो किसी चीज़ को, कि मैं खुद ही कर रहा हूँ, मैं अपना काम मैंने खुद ही किया, तो उस चीज़ को यहाँ पर क्या कहा गया, निजवाचक सर्वनाम कहा गया है, तो अपने आप, मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, सो उसको इम्फेसाइज किया जाता है, मैं अपना काम। हमने आपको इंग्लिश में 11 तरीके के प्रोनाउन बताए थे, काम स्वयं करता हूँ, तो यहाँ पर जो आ गया है स्वयं या अपने आप, ये निजवाचक है। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या देखा कि सर्वनाम में क्या सिर्फ वाचक देखा है, कि सर्वनाम में आपसे कोई वाचक पूछ सकता है तो वाचक आप देख के बता लोगे कि क्या है, कैसा वाचक है, तो प्रश्न है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम बोल देना, आगे हम ये आपको बता देंगे। अब देखिए इसके अलावा जो सर्वनाम है उसमें आपको वाचक पूछा जा सकता है, पुरुष पूछा जा सकता है, पुरुष कैसे पूछा जाएगा, बात ना करें आपस में, पुरुष कैसे पूछा जाएगा, तो पुरुष में तीन पुरुष हैं, कौन कौन से, दैट इज उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष जो उत्तम पुरुष है वो फर्स्ट पर्सन को कहते हैं, उत्तम पुरुष सेकंड पर्सन को कहते हैं, और ये किसको कहेंगे, थर्ड पर्सन को। तो अब यहाँ पर पुरुष आप बता सकते हैं कि मैं, मेरा, मुझे, इस तरीके से जो बात होगी, तुम, तुम्हारा, तुझे, ये सब कहा जा सकता है, और वह, वे, उसका, उसकी, इसकी बात समझ में आ गई कि नहीं, कि ये थर्ड पर्सन हो गया। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही कारक भी हो सकता है क्या, कि जैसे उसने रावण को या उसने किसी शैतान को, अब उसने, तो क्या यहाँ जो उस है वो कौन है, ठीक है, शैतान को मारा, तो ये जो उस है तो ये किसकी जगह आया है, जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर कर्ता कारक है, तो कर्ता ने, तो इसे क्या कहेंगे बताइए, क्या कर्ता कारक सर्वनाम, बोलिए, यही तो बात है। तो इसी तरीके से रवि ने अब मुझको मारा, तो यहां मुझ क्या है,
क्योंकि रवि तो कर्ता कारक संज्ञा हो गई ना, वो तो संज्ञा है, अब वो संज्ञा की जगह आ रहा है, लेकिन मुझ क्या है बताइए? क्या ये जो मुझ है, कर्ता ने कर्म को, तो क्या ये कर्म कारक सर्वनाम है बताएं? क्योंकि अब ये तो सर्वनाम हो गया, अब वो मुझ कौन है? वो तो नाम होता तो कोई होता, रावण को मारा है किसको, तो मुझ आ गया ना, तो सर्वनाम आ गया कि नहीं? मैं, मुझे, तुझे, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब सर्वनाम होते हैं, तो ये सर्वनाम हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसका लिंग बता दो, क्या ये जो कर्ता कारक संज्ञा है, क्या ये पुल्लिंग है? हाँ भाई, उसी शब्द का तो आप बताओगे, लेकिन अभी अगर मैं सीधा आपसे पूछूं निजवाचक सर्वनाम, तो मुझे कम उम्मीद है कि आपको पता होगा। मालूम है कि ये बात आप सही कह रहे हो, लेकिन ऐसे में आगे विशेषण के पांच भेद पूछूं, बता दोगे आप? बताइए, आप जानते हो ईशान, लेकिन बाकी सब जानते हैं क्या? हाँ, तो वो जो भी हैं सब नहीं जानते हैं आप, ठीक है? आप देखो, आपको पता है तो आप क्विट कर सकते हो, हम वेस्ट नहीं कराना चाहते हैं। बेयर जो बहुत फेयर माइंड से आपके अच्छे के लिए बता रहे हैं। हाँ, तो नहीं जान रहे तो उसी के लिए हमें बताना पड़ेगा ना, तो इसलिए अगर आपको फिर बाद में जो ठीक लगे या साथ देख लेना, ठीक है? तो इस तरीके से एक वचन, जब हम थोड़ा सा हमारे पास बेसिक होगा तभी हम उस पर काम कर सकेंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो देखो, कर्ता कारक हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, तो क्या संज्ञा का हमने लिंग बता दिया, वचन बता दिया, कारक बता दिया, और ये कौन सा है? क्या ये व्यक्तिवा, ये जो चीज है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कारक बता दिया, और क्या बता दिया? कर्ता कारक संज्ञा, संज्ञा तो है पहली बात की, ये संज्ञा है, और संज्ञा है तो संज्ञा के नीचे क्या लिखोगे? कर्ता कारक, और फिर क्या लिखोगे? व्यक्तिवाचक। तो क्या हमने पांचों चीजें बता दी? संज्ञा है, कर्ता कारक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, व्यक्तिवाचक, लिंग भी बता दिया आपने। अब यही चीज पद परिचय, किसी किसी के बारे में सब कुछ बताना क्या है? पद परिचय हो गया कि नहीं? क्योंकि हमें सब चीज अब पता चल गई कि रवि एक व्यक्तिवाचक है। ऐसे ही कर्म कारक सर्वनाम है, मुझको मारा, तो कर्ता ने कर्म को मारा, कर्म की जगह सर्वनाम आया कि नहीं? तो ये कैसा हो गया? कर्म कारक सर्वनाम। और फिर मुझे है, तो इसकी वजह से क्या हो गया? इसका पुरुष क्या हो गया? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, कि अन्य पुरुष? उत्तम पुरुष है। और मुझको मारा, तो ये एक वचन है कि बहुवचन? तो एक वचन हो गया। तो इस तरीके से सर्वनाम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि पहले तो उसका वाचक भी बताओ। तो अब यहाँ पर कई चीज़ें हम लोगों ने देख ली कि मान लीजिए पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, व्यक्तिवाचक कुछ नहीं होता सर्वनाम में। तो यहाँ पर ये एक वचन है, उत्तम पुरुष है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसमें कि ये उत्तम पुरुष। अभी पीछे बताया कि नहीं, पुरुषवाचक के ही तो तीन भेद बताए, तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? तो पुरुषवाचक है, फिर उसके बाद ये हुआ, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि पुरुष वाचक। और मुझको मारा, तो मुझसे ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो स्त्री है या पुरुष है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का नहीं पता चल रहा है ना, किसी को भी मारा, राम ने मुझको मारा, तो यहाँ आप लिंग नहीं बता सकते, तो इससे पता नहीं चल पा रहा है, ये बात हो गई। अब आगे देखिए, इसके अलावा विशेषण, विशेषण में क्या पूछा जा सकता है? विशेषण में भेद पूछा जा सकता है, विशेषण का भेद पूछ सकते हैं आप, जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं, नहीं आता हो तो आप ये लिख देना, अगर आप डिटरमाइंड है तो वो लिख सकते हैं। पुरुषवाचक के आगे ये उत्तम पुरुष है। विशेषण का भेद आपको बताना है कि ये गुणवाचक है, ठीक है, परिमाणवाचक है। देखो, थोड़ा सा फर्क है, हम लोगों ने पांच तरीके के एडजेक्टिव पढ़े थे उसमें, जब ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में, और हिंदी में चार ही दिए हैं। तो संख्यावाचक है, और फिर दूसरा क्या है? सर्वनामिक,
सर्वनामिक, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। तो पहले इसका भेद पूछा जाएगा, फिर लिंग भी पूछा जाएगा, विशेषण में क्या लिंग हो सकता है, वचन पूछा जाएगा, विशेषण में क्या वचन हो सकता है, फिर इसके अलावा किसके बारे में विशेषण कहा जा रहा है उसे विशेष्य कहते हैं, और ठीक है इसका उल्लेख पूछा जा सकता है। तो अब जरा हम देखें ये क्या चीज कहना चाहता है। अभी तो ये देखने पे पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन इतनी चीजें पूछी जा सकती हैं, पूछा जाता है। अब हम इसको एक एक करके देखें। पहले भेद देखें कि विशेषण, तो विशेषण में गुणवाचक है, ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये बात तो आपको पता है ना। अच्छा, अब इसके आगे संख्या वाचक, और चौथा है कि सर्वनामिक। तो हम इसमें जो भी विशेषण है उनके बारे में देखें, तो विशेषण में जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो जैसे कि काला आदमी सामने खड़ा है, सामने खड़ा है, तो ये इसकी विशेषता है काला आदमी की, तो ये विशेष्य हो गया, जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है, और ये क्या हो गया, विशेषण। तो जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है, विशेषता प्रकट की जाती है, वह विशेष्य होता है। और विशेष्य क्या होगा, या तो वो संज्ञा होगी, और या फिर क्या हो सकता है, हाँ सर्वनाम होता है। अब हमारे पास चार तरीके के विशेषण है। पहला है गुणवाचक, तो विशेष जो गुणवाचक है, तो कैसे, जैसे मीठा फल, सो इसमें जो मीठा है फल, तो ये फल के गुण को बता रहा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। बनारसी साड़ी, बनारसी क्या, मीठा विशेषण है और ये विशेष्य है, विशेषण तो यही हुआ ना, ये तो फल संज्ञा है, संज्ञा तो विशेष्य हुई ना, किसी न किसी की तो विशेषता बतानी पड़ेगी। सो एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव है ना, सो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ओनली। नाउ इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, दिशाएं भी हो सकती हैं, उत्तरी ध्रुव क्या हो सकता है इसमें, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दिशा हो सकती है, अवस्था हो सकती है, बूढ़ा आदमी, तो क्या वो भी गुण है, बूढ़ा आदमी, क्या अवस्था भी बता रहा है, अवस्था भी बता सकता है। काल यानी ताजी रोटी, बासी रोटी, काल बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से स्थान, ग्रामीण व्यक्ति, गांव का रहने वाला, शहरी व्यक्ति, स्थान बता सकता है, अवस्था बता सकता है, नई चप्पल, दशा बता सकता है, दिशा बता सकता है, गंध, सुगंधित अगरबत्ती, गंध भी बता सकता है, स्पर्श, कठोर भूमि, कोमल पुष्प, इस तरीके से स्पर्श बता सकता है, स्वाद तो हमने बता दिया, कड़वा मीठा खट्टा, छोटा बड़ा गोल, ये सब भी है, आकार बता सकता है, रंग काला पीला नीला, ये सब भी इसमें आएगा, अच्छा बुरा, ये सब गुणवाचक है, किसी भी चीज़ के गुण के बारे में, अच्छा बुरा, स्वाद बताना, दिशा बताना, दशा बताना, रंग बताना, स्थान बताना, काल बताना, ताजी रोटी बासी रोटी ऐसा बताना, ऐतिहासिक है कि ये दैनिक पत्रिका है कि वार्षिक पत्रिका है, ठीक है ऐसा करना। नाउ परिमाणवाचक संज्ञा, पहलवान रोज 4 किलो दूध पीता है, तो 4 किलो दूध, तो ये दूध का क्या मैग्नीट्यूड बता रहा है, परिमाण, तो मैग्नीट्यूड यानी किसी की मात्रा बताई जाए, परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा, और ये क्वालिफाई करे,
क्वालिफाई करे किसी चीज को, गुणवाचक करता है। संख्यावाचक क्या है? संख्यावाचक का मतलब क्या है कि परिमाण वाचक में भी कुछ चीजें हैं, निश्चित परिमाण वाचक या अनिश्चित भी। 4 किलो दूध जैसे थोड़ा अचार, तो थोड़ा अचार क्या है? क्या ये अनिश्चित परिमाण वाचक है? थोड़ा अचार दे दो, 4 किलो दूध देना, और ये क्या है? क्या निश्चित परिमाण वाचक है? और ये थोड़ा क्या है? अनिश्चित। तो इस तरीके से हम ये परिमाणवाचक में बता सकते हैं। संख्यावाचक में, संख्यावाचक में हम अनिश्चित संख्यावाचक भी कह सकते हैं, और ये थोड़े आदमी, जब गिनती की बात होगी ना तब फिर संख्यावाचक पे आना। ये नहीं कहना कि थोड़ा है तो परिमाण, मैं तौल के आदमी थोड़ी ना लोगे, ये वजन वाली चीज़ है और ये काउंटिंग है। यहाँ पर क्या होता है? काउंटिंग। काउंटिंग में भी दो तरीके के हैं कि संख्यावाचक यानी 2 दर्जन फल और थोड़े फल, तो क्या उनको काउंट कर पाओगे? थोड़े तरबूज फल कुछ भी कह सकते हो, तो थोड़े फल लिख देते हैं। तो थोड़े आदमी जिन्हें काउंट कर सको वो चीज़ संख्यावाचक है। लेकिन फिर से बात आ रही है, ये थोड़े अनिश्चित वाचक संख्यावाचक है और 2 दर्जन क्या है? निश्चित। और ये थोड़े, हाँ सर, तो आपके ऊपर 4 किलो दूध लिखा है, वो नहीं आ सकता है? नहीं, वो वजन है, उसमें गिनती नहीं कर सकते हो, 4 किलो में पार्टिकल काउंट नहीं किए जा सकते हैं। तो वो तौल है तो परिमाण है, काउंटिंग है तो ये चीज है। वेट, वेट से लिया जाए तो ये है। थोड़ा अचार क्या गिन के अचार लोगे? वो तो चम्मच से ले लोगे। तो जिसको ये किया जा सकेगा तो वो ये चीज़ कहलाएगा। इन दोनों में ये भेद है। अब आगे देखो कि इसके अलावा सर्वनामिक विशेषण, कि अगर हम ये कह दें कि वह खंभा गिर जाएगा, है सर्वनाम लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही है? वह खंभा गिर जाएगा, तो संज्ञा के साथ आ रहा है लेकिन क्या सर्वनाम है ये? और फिर भी खंभे की विशेषता है, और खंभे नहीं गिरेंगे, वह खंभा गिरेगा, वे आदमी बुरे हैं, तो ये कौन सा विशेषण हुआ बताओ? वे आदमी, आदमी की विशेषता बताई जा रही है, अभी देख लेना ये विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है? क्या सर्वनामिक है? तो वे आदमी बुरे हैं। इसी तरीके से जब सर्वनाम हो लेकिन वो विशेषण के तौर पर आए, और ये विशेष है। तो इस तरीके से हमने देखा पद परिचय में आपको ये भी बताना पड़ेगा। विशेषण के बारे में हमने सारी चीज़ें बता दी हैं। विशेषण के बारे में ये आपको बता दिया गया है कि अब हामिद बड़ी पतंग उड़ा रहा है। हामिद बड़ी पतंग उड़ा रहा है, तो ये बड़ी क्या है? विशेषण है। अच्छा, विशेषण तो है, गुणवाचक भी है, तो इसके बारे में जो बड़ी है क्या ये गुणवाचक विशेषण है? यस सर। स्त्रीलिंग है क्या? बोलो, क्योंकि बड़ी है, बड़ा पतंग तो नहीं है। एक वचन है क्या? एक वचन है, एक ही पतंग तो उड़ाएगा, तो ये एक वचन है, ठीक है। और विशेष क्या है? एक मिनट, एक वचन हो गया और विशेषण, और ये एक वचन हो गया, और इसका विशेष क्या है ये भी यहां लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, पतंग, ये सब लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने विशेषण के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे कि क्रिया के बारे में, तो क्रिया के बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है? तो क्रिया में लिंग, वचन, काल, क्रिया में आपसे लिंग पूछा जा सकता है, वचन पूछा जा सकता है, काल पूछा जा सकता है, टेंस।
ठीक है, वाच्य पूछा जा सकता है, और इस तरीके से कर्ता या कर्म का उल्लेख पूछा जा सकता है, कर्ता या कर्म का उल्लेख पूछा जाता है। अब देखिए, क्रिया में दो तरीके की भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया होती है और एक क्रिया होती है अकर्मक। तो जो ऑब्जेक्ट, हाँ, अकर्मक होती है, तो अब जरा देख लें कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो क्रिया के दो मुख्य भेद हैं, तो सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक, जैसे अगर ये है कि जिस क्रिया का फल, कोई क्रिया की जा रही है, तो अब यहाँ पर जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो, दो चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ कि राम ने बेर खाए, तो इसे कैसे पढ़ोगे? क्या राम ने बेर को खाया? क्या ये कर्ता कारक है? काम कर रहे ना, कर्ता ने, बोलो, कर्ता कारक है। अच्छा, ये कर्म कारक है क्या? राम ने रावण को मारा, कर्म कारक, और ये है क्रिया। तो क्या ये जो क्रिया की गई, उसका प्रभाव कर्म पर पड़ा? बेर तो बेचारा खा लिया गया, अच्छा खासा जिंदा था, तो क्या इस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा? तो जिस क्रिया का प्रभाव, अच्छा खासा रावण था, उसको राम ने मार दिया, तो राम राम का मारना, इसका प्रभाव क्या रावण पर पड़ रहा है? तो यदि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, ठीक है, कर्म कारक संज्ञा पर, कर्म कारक संज्ञा बोलो या कर्म, कर्म भी बोल सकते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट, कर्म कारक संज्ञा बोल सकते हो, और नहीं तो सिर्फ कर्म भी बोल सकते हो, और वो भी ना बोलना चाहो तो ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। तो पर पड़े, जैसे ही हैज गिवेन मी अ बुक, तो कर्म जो है बुक है, अच्छी खासी किताब थी, दे दी, किताब पर प्रभाव पड़ा कि नहीं? सो ही हैज गिवेन ए बुक, बुक यहाँ कर्म है और ये वर्ब है, तो वर्ब का इस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, वो कैसी क्रिया होगी बताइए? क्या वो सकर्मक क्रिया होगी? क्योंकि कर्म के साथ है, तो यहाँ क्या लिख दें? ये कैसी क्रिया है? सकर्मक। और जिसका न पड़े प्रभाव, उसे क्या कहेंगे? वह सकर्मक क्रिया है, कर्म के साथ जो है। बिल्कुल बिल्कुल, किसको खाया? तो ये है, तो यहाँ पर अगर क्या आ जाए, राम ने क्या खाया, तो क्या आ जाए, तो फिर वो चीज यहाँ पर है। यदि उसका प्रश्न बनाते समय क्या का प्रयोग हो जाए, और यहां पर देखो, मोर नाचता है, तो इसकी क्रिया का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ा ना, मोर तो क्या हो गया, कर्ता कारक है, यही तो नाच रहा है, यही तो काम कर रहा है, लेकिन कर्म कारक है ही नहीं। अच्छा, राम सोता है, तो जो राम सोता है, राम तो कर्म कर्ता कारक है, और अगर मैं कह दूं राम बिस्तर पर सोता है, तब क्या हो जाएगा? तो अब ये बिस्तर जो है, वो उस पर प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा खासा बिस्तर लगा था, उस पर राम सो गया, तो राम वही चीज है, लेकिन अब यहां पर कर्ता कर्म कारक का उद्भव होने से उस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, बिस्तर पर सोता है, तो इसलिए ये जो क्रिया है, ये कैसी हुई? प्रांजल, सोता सोता है, ये पूरी क्रिया है, ये कैसी हुई बताइए?
सकर्मक है या अकर्मक? हाँ, ये कर्म कारक है और ये सकर्मक हो गई, ये सकर्मक क्रिया है। और यहाँ पर ये कैसी क्रिया है? अकर्मक। तो यहाँ पर हमने क्रिया के भेद देखे, सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। क्रिया का काल देखो, इस तरीके से पहचानोगे जिसमें अगर ही गोज तो ही गोज टू स्कूल, अगर सिर्फ ही गोज है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस तरीके के वर्ब को क्या कहोगे? इनट्रांजिटिव वर्ब। ये कैसा हुआ? इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मिसिंग, उद्देश्य का अभाव है, उद्देश्य है ही नहीं। और ही गोज टू स्कूल, तो क्या यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया? ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि मेरा जीवन में बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य होता है ना। तो गोज टू स्कूल प्रेडिकेट में ही ऑब्जेक्ट पाया जाता है, तो ये क्या हो गया? क्या ये ऑब्जेक्ट आ गया? तो और ये वर्ब कैसा हो गया? क्या ट्रांजिटिव हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब वो है जो ऑब्जेक्ट के साथ आए, सकर्मक क्रिया वो है जो कर्म के साथ आए। राम ने मारा, किसको मारा पूछा जाएगा? रावण को। तो क्रिया के साथ आएगा तब है, ठीक है। और ये चीज जब होगी तो किसी क्रिया के साथ आ जाए, यदि क्रिया कर्म के साथ आए, क्या काम किया? कह दो मैंने किया, तो क्या काम किया? तुम सोए तो कहाँ पे सोए? किसी उसके साथ क्रिया से संबद्ध चीज आ जाए कर्ता के अलावा, यानी सब्जेक्ट तो आ ही आए, ऑब्जेक्ट आ जाए। तो आप ये समझ लीजिए सकर्मक क्रिया में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट होगा और फिर उसके बाद वर्ब होगा और फिर क्या ऑब्जेक्ट भी होगा, एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी और एक कर्म होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, कैसे रावण कर्म हुआ? क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का कि के अधिकरण में पर बोलिए, तो करण से संप्रदान के लिए अपादान से, यही तो कारक होते हैं, ठीक है। और अधिकरण में पर संबोधन हे हो हरे में और पर, तो ये जो चीज है कर्म को, इस चीज को किसी काम को करना, तो यहां पर कर्म को है। बेर को खाया, भले ही को ना हो लेकिन बेर को खाया तो आ रहा है ना भाव, बाकी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए कि ये तो हमने दो क्रिया बता दी आपको, इसके अलावा काल भी होते होंगे, तो कितने काल होते हैं क्रिया के? भूतकाल भी होगा, और क्या होगा? भूतकाल, वर्तमान काल, जो अभी का चल रहा है प्रेजेंट टेंस, तो उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल। और फिर भविष्य काल, तो भविष्य, भविष्यत काल भी कहते हैं। तो इट इज पास्ट और बोलिए, क्रिया के ही तो काल है ये सब, पूरे जो टेंस हैं वो वर्ब के ही तो हैं। जब आपको वर्ब पढ़ाते हैं तो टेंस पढ़ाना होता है, उसी के आपको फर्स्ट टेंस, सेकंड टेंस आपको बताया जाता है कि पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है, गो वेंट गॉन, तो ये सब क्रिया है। क्रिया किस समय में की जा रही है वो उसका काल है। काल का मतलब समय, की जा चुकी है कि की जाएगी कि की जा रही है, तो फ्यूचर। जैसे राम जाएगा या राम गया, तो ये क्या हो गया? भूतकाल हो गया, काल भी पूछा जा सकता है। राम जा रहा है, राम जाएगा, तो जो फ्यूचर में जाएगा, तो समझ में आ गया काल क्या होता है।
इतनी बात समझ में आ गई कि आपसे, हाँ बोलिए, पूछना है कुछ? काल समझ में आ गया ना? हाँ, तो इतनी बात हो रही है। अब जरा देखिए कि ये तो क्रिया के भेद हो गए कि पिताजी कमरे में सोए हैं, तो अब इसमें देखो सोए हैं क्या है? पिताजी कमरे में सोए हैं, सोए हैं तो मुझे मालूम है अंडरलाइंड है, तो इसके बारे में क्या बताएं? अच्छा, कमरे में, कमरे में क्या है मतलब? कमरे में का क्या मतलब है? क्या ये अधिकरण कारक है? अधिकरण में पर होता है कि नहीं? अभी ऊपर लिखाया गया है, देख लो, ज्यादा दूर नहीं है। तो कमरे में सोए हैं, तो ये जो कमरे में है ये क्या चीज है? क्या अधिकरण कारक है? और कर्म कारक का अभाव है भाई, इसमें तो ये तो दिया नहीं है कि किसको सोए हैं। कर्म कारक नहीं है ना यहाँ पे? कर्म कारक क्या होता? जैसे कर्म कारक का मतलब है को आता, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा तभी को वर्ड बन रहा है क्या? कर्म को, जैसे बेर को खाया, तो बेर को पे तो बन रहा था ना, यहाँ बन रहा है क्या? बिस्तर पर, ये भी कर्म कारक नहीं, इसको भी ठीक करो, क्योंकि बिस्तर को सोता है क्या? बोलो, तो यहाँ ये अकर्मक लिखना पड़ेगा। जब ये चीज कौन सा कारक है बताओ? अधिकरण है कि नहीं? वो सब भले ही हो, लेकिन कर्म कारक हो, बिस्तर को सोता है तो नहीं हो सकता है। तो बुक क्या कहती है? बुक कह रही है कि कमरे में सोए हैं, तो कमरे में अगर सोए हैं, देखो तो ये देखो, पिताजी कमरे में सोए हैं, अकर्मक है, कर्म कारक है ही नहीं कहीं, को लिखा है क्या बताओ? तो जब है ही नहीं, जब कर्म कारक का अभाव है, इट इज मिसिंग, तो को ना बने तो अकर्मक लिख देना, तो सोए हैं क्या लिखोगे बताओ? हो जाए, कमरे में ही तो लगाओगे, कमरे को कहाँ लगा पा रहे हो? ये तो कारक है और ये उसकी विभक्ति है, तो विभक्ति क्या को लगा पाए? जब विभक्ति को लगा लेना तो हमें बता देना, हम कर्ता कर्म कारक मान लेंगे। तो कारक के, कारक विभक्ति के साथ रिलेट करोगे ना, ऐसे तो कभी संज्ञा भी नहीं बता पाओगे। तो ये सब कारक हैं और ये उसकी विभक्ति हैं, सात कारक होते हैं, सात विभक्तियाँ होती हैं, तो ये नहीं कोई बोल सकता कि कमरे को सोए हैं। तो सोए हैं, देखो जरा ये कैसी क्रिया है, क्या ये अकर्मक है बताइए? अच्छा, अकर्मक है क्या? ये क्रिया आदरार्थ है, आदर के साथ आई है, पिताजी, वरना सोया है भी बोल सकते थे, लेकिन सोए हैं क्यों बोला? आदर के साथ बोला है ना। अच्छा, वैसे सोए हैं तो वैसे देखने से सोए हैं क्या लगता है? क्या बहुवचन? तो हमने बहुवचन का इस्तेमाल उनके लिए किया है, हम आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़े आप लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं, तन्हा किसी को बज्म में समझो न तुम अमीर, सब अपने अपने साथ हैं लश्कर लिए हुए, तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा कोई आप पूरा कबीले और घोड़े हाथियों के साथ आ रहे हैं। बोले हम आ रहे हैं, अरे सीधा बोलो मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब आदर के साथ होता है, अपने का ही आदर किया जाता है, तो आ रहे हैं, तो रहे हैं बहुवचन हुआ कि नहीं? तो ये बहुवचन हो गया। इसी तरीके से क्या ये पुल्लिंग है? पता चल रहा है कि पुल्लिंग है, पिताजी के बारे में बात की गई है, तो इट इज पुल्लिंग। अच्छा, और बताइए कि सोए हैं, अभी सोए हैं कि सो चुके हैं, सो गए थे कि सोएंगे, तो क्या ये वर्तमान काल है? बताएं, वर्तमान काल है। और इस तरीके से जो किसके बारे में कहा गया है, तो यहाँ पर जो क्रिया है उसमें, एक मिनट, जस्ट
एक मिनट देख रुकिएगा। वाच्य के प्रकार, वाच्य के प्रकार हाँ, तो अब एक और चीज आ रही है कि नाउ अब वाच देखो, यहाँ सोए हैं से इसको बताने से पहले मैं आपको कर्ता का वाच्य बता दूं। कर्ता के तीन वाच्य हैं, कौन कौन से वाच्य हैं? एक तो है कर्तृवाच्य और दूसरा क्या है कर्मवाच्य और तीसरा क्या है बताइए भाववाच्य। हाँ, तो इन तीनों को हम समझ लें तो हम इसके वाच्य को बता दें कि किस तरीके से कर्तृवाच्य है। तो जैसे कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य यानी क्रिया के कर्ता का बोध हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे बच्चा खेलता है तो जिससे कर्ता का बोध होता हो यानी क्रिया से किसका बोध होता हो बताओ, कर्ता का बोध हो, अभी बता रहे हैं तब पता चलेगा। जैसे बच्चा खेलता है तो तीनों को एक साथ लिखेंगे तब अंतर आप स्थापित कर लेंगे, खेलता है तो ये इससे इसका बोध हो रहा है कर्ता है, ये कर्ता है ना, कर्ता कारक। तो बच्चे ने खेला। अब कर्मवाच्य जिस रूप से, जिस रूप में कर्म प्रधान हो, क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो, जैसे भारत पाक युद्ध में, भारत पाक युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, हजारों सैनिक, किसने किसको मारा यहाँ है ही नहीं, कर्ता कारक का लोप है, सैनिक सैनिकों ने सैनिकों को मारा, हाँ मारे गए, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण क्या माना गया, किसका महत्व ज्यादा है, हजारों सैनिकों को मारा गया, तो वास्तव में सैनिक मारे गए ना, इससे इसका संबंध है कि सैनिक खुद को मार लेगा, जैसे राम ने रावण को मारा, तो ये कौन सा हुआ, तो क्या ये जो है कर्म कारक संज्ञा है, और क्या इस क्रिया से इसका बोध हो रहा है कि सैनिक मारे गए, तो बोलो कर्म का बोध हो रहा है कि नहीं, कर्म महत्वपूर्ण है, किसने मारा ये महत्वपूर्ण ही नहीं है, उनको ना जेल हुई ना कुछ हुआ, तो यहाँ कर्म महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, कर्म का बोध हो रहा है, बोध हो रहा है क्रिया से, तो यहाँ क्रिया से किसका बोध हो रहा है कर्म का, तो इसलिए कर्म कारक हुई। तो इसी तरीके से भाववाच्य जिसमें भाव का बोध हो जाए तो उसको भाववाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से भाव का बोध हो, तो जैसे भाववाच्य का एक उदाहरण देखते हैं, भाववाच्य का उदाहरण, बोलो एक बताओ, आओ बैठे, आओ बैठा जाए, आओ बैठे, सर मैं भी बताऊं एक भाववाच्य क्रिया के उदाहरण, सर अब चला जाए,
हाँ, तो जिसमें उद्देश्य का ही कोई भेद हो तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, भाववाच्य। तो ये बात सही है। एक मिनट, हम भी एक उदाहरण देख लें तो हम आपको बता दें, दोनों सही हैं, थोड़ा हमें भी समझ में आ जाए। तो जो शब्द किसी पदार्थ की अवस्था दशा भाव का जैसे कि रमेश और सुरेश की आपस में दोस्ती है, ठीक है, अब इसी तरीके से भाव का ये है, तो यहाँ पर क्या है कि रमेश की आवाज में बहुत मिठास है, बहुत मिठास है, तो है यहाँ क्रिया है, सिर्फ क्रिया क्या है और कुछ नहीं है। अच्छा, और मिठास क्या होता है, मिठास, खटास, बुढ़ापा, क्या ये भाववाचक संज्ञा है, वाचक संज्ञा, तो ये इसी से रिलेट कर रहा है, और कोई मतलब नहीं है इस सेंटेंस को कहने का, भाववाचक संज्ञा। रमेश और सुरेश की आपस में दोस्ती है, तो रमेश और सुमित की दोस्ती है, तो इस तरीके से आपस में दोस्ती है, तो यहाँ दोस्ती भाववाचक संज्ञा हो गई, संज्ञा हो गई। और ये है क्या है, तो क्रिया, तो ये क्या हो गया, क्या भाववाच्य क्रिया हो गई, कैसी क्रिया है ये, भाववाच्य क्रिया है। और ये कैसी क्रिया है, क्या ये जो है मारे गए कौन सी क्रिया है, क्यों, कर्मवाच्य क्रिया है, देख लो, क्या इससे कर्म का बोध हो रहा है, सैनिकों को मारा गया तो ये कौन सी क्रिया है, कर्म वाच्य क्रिया। अच्छा ये बताओ, बच्चा खेलता है, ये कौन सी क्रिया है, क्या कृतवाच्य क्रिया है, हाँ कृत है, ये जो है ये क्रिया के प्रकार है, कि क्रिया किस वाच्य में आई है, यानी वो संज्ञा से किस प्रकार से संबद्ध है, क्रिया का संज्ञा से कैसा संबंध है। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी क्वेश्चन में, तो अब यहाँ पर पिताजी सोए हैं, फिर से वापस आओ, तो ये सोए हैं का किससे संबंध है बताओ, पिताजी से संबंध है, और पिताजी तो कर्ता है, वही सो रहे हैं, तो पिताजी क्या है बताओ, क्या वो कर्ता कारक संज्ञा है, कर्ता कारक, उनका कारक तो कर्ता ही है, बाकी संज्ञा के और जो और प्रकार होते हों कि पिताजी व्यक्तिवाचक हैं वो सब अलग है, लेकिन कारक भी तो होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, सात तरीके के कारक तो होते हैं ना, संज्ञा के सात कारक हैं कि नहीं, तो इस तरीके से हे मोहन संबोधन कारक है, तो यहाँ पर आप देखिए कर्ता कारक हैं, तो इसलिए सोए हैं क्या हुआ, कौन सा वाच्य हुआ बताओ, कृतवाच्य हुआ, भाववाच्य हुआ, कि कर्मवाच्य हुआ, कर्मवाच्य अगर होता तो वहां पर कर्म को, ऐसा कुछ है कि कमरे को सोए हैं, भाववाच्य भी नहीं हो सकता, कृतवाच्य, क्योंकि सोए हैं का किससे संबंध है, कर्ता से, अगर कर्ता से संबंध है तो कृतवाच्य है, जैसे ये देखो बच्चा खेलता है, तो खेलता है का किससे संबंध है, क्या कर्ता से, जब कर्ता से संबंध है तो कृतवाच्य, जब कर्म से संबंध है सैनिकों को मारा गया, को रावण को मारा, को से संबंध हो जाए, विभक्ति देखो बिना विभक्ति के नहीं कर पाओगे, रावण को मारा, हजारों सैनिकों को मारा गया, तो वहां पर कर्म से संबंध है क्या, जो मारे गए, तो ये कर्मवाच्य हुआ, और ये क्या है बताइए, मिठास, क्या भाववाचक संज्ञा से संबंध है, या अवस्था से संबंध है, या गुण से संबंध है, तो ऐसी चीज में फिर भाववाच्य आएगा, समझ में आए कि नहीं, तो यहां पर पिताजी कमरे में सोए हैं, क्रिया का किससे संबंध है, धाव से नहीं संबंध है, क्रिया का कर्ता से संबंध है,
भाव कहाँ है इसमें, क्या भाव है? अगर ऐसा कोई कहता है कि गहरी नींद में सोए हैं या उस तरह बेधड़क सोए हैं, तब तो कुछ हम बात करते। ऐसा तो कुछ भी नहीं कह रहा है सोने के ऊपर, आवाज़ में मिठास है, बेधड़क सोए हैं, बेतहाशा सोए हैं, कहाँ कुछ बोल रहा है। पिताजी के सोए हैं का संबंध आप उनसे कहाँ कर पा रहे हो, पिताजी से सीधा है, जैसे सब सोते हैं वैसे सोए हैं, तो सोने का किससे संबंध है यहाँ पे, क्या कर्ता से है? तो कृतवाच्य हुआ कि नहीं? ये है। और वो कुछ और है, बल्ले को खेला, गेंद को मारा, तो गेंद को हो जाता, पिताजी ने गेंद को मारा, अब गेंद को क्या है, तब क्या हो जाता? हाँ, जैसे पिताजी ने गेंद, गेंद बेचारी मारी गई, गेंद को मारा, तो अब इसका इससे संबंध हो गया। और गेंद को कौन सी विभक्ति है, क्या यहाँ पर कर्म कारक विभक्ति है, को विभक्ति है, तो इसलिए क्या हुआ, कर्म कारक, तो इसलिए ये क्या हुआ, मारा, तो क्या ये कर्मवाच्य क्रिया है? बोलिए। तो इस तरीके से क्रिया के सभी भेद आपको पता चल गए कि क्रिया किस प्रकार से आ रही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, क्रिया विशेषण के बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो और कुछ बात प्रिय, इसमें आपसे ये भी पूछा जाएगा कर्ता कौन है। एक चीज फिर हम रह गए, जब भी क्रिया बताना तो ये अवश्य बता देना कर्ता पिताजी हैं। जब विशेषण बताओगे तो क्या विशेष से बताओगे, और जब क्रिया बताओगे तो कर्ता बताओगे, इसके मार्क्स हैं। अच्छा, आप पांचवी चीज देखो, पांचवी चीज है क्रिया विशेषण, राम धीरे धीरे चलता है, सांझ धीरे धीरे ढलती है। तो क्रिया विशेषण का मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए, विशेषण, वह तेज तेज चलता है, तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो पद क्रिया की विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये किसी किसी में नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन ये आपकी ग्रामर में है, ये जो मैं बता रहा हूँ, पद परिचय और पदबंध, ये सब आपके इसमें है। तो इसलिए अगर अभी नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी न कभी ये जरूर आएगा, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर अब देखिए कि क्रिया विशेषण से हम समझें, क्रिया विशेषण का मतलब है कि राम धीरे धीरे चलता है। राम तो धीरे धीरे किसकी विशेषता है, क्या राम की है कि चलने की, चाल का ढंग है? तो ये धीरे धीरे क्रिया की विशेषता है, तो ये क्या हो गया, क्या क्रिया विशेषण हो गया, विशेषण, ठीक है। तो क्रिया कैसे की जा रही है, वह बेधड़क सोता है, तो सोने का प्रकार हुआ कि नहीं, तो वह बेधड़क रोता है या सोता है, कुछ भी हो, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। इस तरीके से वह बेतहाशा दौड़ा चला आया, बेतहाशा का मतलब वो हाँफते हुए, वो ये भी नहीं देख रहा मर जाएगा, लेकिन वो दौड़ा चला आया। तो यहाँ पर किस प्रकार से दौड़ा, क्या ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि नहीं, तो इसलिए ये चीज़ क्या हो गई, ये क्रिया विशेषण हो गया। तो जहाँ पर अगर क्रिया विशेषण हो तो वहाँ पर ये है निरुपमा, रुमाल सबसे सुंदर काढ़ेगी, दैट इज एम्ब्रॉयडरी, सबसे सुंदर काढ़ेगी, क्रोशिया से काढ़ा जाता है कि नहीं, उसमें कुछ लिखा जाता है रुमाल में, काढ़े का मतलब है एम्ब्रॉयडरी,
काढ़े का मतलब है जैसे उस पर कुछ अलग अलग कलर के धागों से लिखा जाता है कि नहीं? यस सर। शॉल होता है ओढ़ने वाला, उसमें एम्ब्रॉयडरी होती है, कढ़ाई का कसीदाकारी। यस सर। तो सबसे सुंदर काढ़ेगी, तो ये सुंदर किसके बारे में है? क्या इस क्रिया विशेषण है? तो इस तरीके से अगर क्रिया के बारे में बताया हो तो मैंने बच्चों को प्रेम पूर्वक समझाया, क्या है इसमें क्रिया विशेषण? हाँ, क्योंकि ये हमारा समझाने का तरीका है, समझाया तो प्रेम पूर्वक हो गया, ठीक है। फुटबॉल, वह फुटबॉल की तरह लुढ़क कर गिर गया, या कुछ भी हो सकता है, लुढ़क कर गिर गया। तो वो कैसे गिर गया, क्या गिरने का तरीका बताया जा रहा है? लुढ़क कर गिर गया। तो यहाँ जो लुढ़क कर है ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। इस तरीके से गाड़ी बहुत देर से छूटेगी, तो यहाँ पर क्या है? देर से छूटेगी, तो देर से हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि क्रिया विशेषण क्या होता है, ये भी इसमें आ सकता है। अब जरा हम देखें कि इतनी बात हमने देख ली है, अब जरा और चीज देख लें। इतना ही रखो आज के लिए, आगे का हम कल देखेंगे, ठीक है? ओके, हम इसको भेज देंगे, बाकी कल हम आपको इसके एग्जांपल्स करा देंगे, और आपका जो भी और ग्रामर है वो बता देना, वो करा देंगे। वेलकम। कल सुबह आपकी क्लास होगी, सुबह रखेंगे 7:30 से 7:30 7:30 रख लेंगे। ओके।